और इसका वेट 249 ग्राम होने की वजह से इंडिया में ये नैनो कैटेगरी में आता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि 249 ग्राम से ऊपर, मतलब 250 ग्राम से ऊपर जितने भी ड्रोन हैं उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, और जब फ्लाई करते हैं तो परमिशन लेनी होती है। तो इसके लिए ना आपको परमिशन की ज़रूरत है ना लाइसेंस की, आप इसको कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। यार जब आप ड्रोन शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? एक इतनी बड़ी इमेज, उससे भी बड़ी इमेज, लेकिन DJI ने इस इमेज को इतना छोटा कर दिया है, मतलब छोटे से भी छोटा। अगर आप मेरे हाथ में देखेंगे तो ये मेरे हाथ में भी बहुत छोटा है, और अगर आप मेरे मोबाइल से कंपेयर करें तो ये मोबाइल से भी बहुत छोटा है, मतलब इतना छोटा कर दिया है कि ये आपके मोबाइल से भी छोटा हो जाता है। तो हेलो घुमकड़ो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, और यार खुश ही रहना चाहिए क्योंकि खुश रहने से हेल्थ ठीक रहती है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक ही फैसला लकी फैसला पर, और आज मैं ड्रोन का रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है ड्रोन यूज करते हुए मुझे हो गया है काफी टाइम। मैंने दुबई से ये ड्रोन मंगाया था, उसके बाद यूज करते करते मुझे काफी प्रॉब्लम आई, काफी चीजें इसमें बहुत अच्छी लगी। तो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और इसका अच्छे से रिव्यू करूंगा, क्योंकि जब आप इस ड्रोन को या मैविक मिनी या मैविक मिनी 2 लेने की सोच रहे हो तो आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं इसके लेने के बेनिफिट है या नहीं। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन की। इसका डिजाइन यार इतना अच्छा और इतना छोटा, इतना स्मार्ट सा, क्यूट सा बनाया है कि मुझे इसको यूज करने में बहुत आसानी होती है, बहुत अच्छा लगता है। इसको कैरी करने में बहुत आसानी होती है, मैं कहीं भी इसको अपने टैंक बैग में, अपनी पॉकेट में कहीं भी इजिली कैरी कर लेता हूं, और उसके बाद जब फ्लाई करना होता है इजिली फ्लाई कर लेता हूं। और उसके बाद इसके वेट की बात करें तो इसका वेट है 249 ग्राम्स, इतना हल्का है कि इजिली कैरी कर लेते हैं, और बहुत ज्यादा लगेज होने के बाद भी ये आपकी ज्यादा जगह नहीं लेता है। अब बात करें मैविक मिनी से अलग इसमें क्या है, तो इसमें 4K कैमरा है जो कि सबसे अलग है, मतलब मैविक मिनी में ये चीज नहीं था, और इतने छोटे ड्रोन में 4K दे दिया है, तो ये सबसे अच्छा। आप इससे अच्छी अच्छी फुटेज और वीडियोस निकाल सकते हैं, और इतनी अच्छी वीडियोस निकलती हैं, आप मेरी वीडियोस पे जाकर देखना कि बहुत क्लियर और बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा जो मैविक मिनी से फर्क है इसमें वो है रेंज का, जो इसकी रेंज है 10 किलोमीटर तक है, ये 10 किलोमीटर तक दूर जा सकता है, जो मैविक मिनी था वो सिर्फ 4 किलोमीटर तक जा सकता था। और उसके बाद थोड़ा डिजाइन और अच्छा कर दिया है। और उसके बाद बात करें इसके रिमोट कंट्रोलर की, तो कंट्रोलर जो है इसका इससे भी बड़ा है और काफ़ी अलग कर दिया है मैविक मिनी से। जो उसका कंट्रोलर था थोड़ा अलग था, और उसमें जो प्रॉब्लम आती थी ना वो आती थी आपको जब आप फ़ोन से इसको कनेक्ट करते थे तो आपको फ़ोन लगाने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इसमें इतना बड़ा स्पेस दे दिया फ़ोन लगाने के लिए कि बड़े से बड़ा फ़ोन, मेरा इतना बड़ा फ़ोन है, वो ईजिली लग जाता है, लेकिन मैविक मिनी में वो नहीं लगता था। तो ये चीज़ इसमें अच्छी कर दी गई है, और इसकी जो ग्रिप है वो और अच्छी हो गई है, काफ़ी अच्छे आपके हाथ में आता है। उसके बाद जो इसका डिज़ाइन है वो मैविक एयर 2 की जैसा कर दिया है बिल्कुल, उसका भी रिमोट ऐसा ही आता है, उसका कंट्रोलर ऐसा ही आता है। और उसके बात करें तो इसकी लाइट्स की, तो इसमें LED लाइट्स दी गई हैं जिसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, और जब रात में आप फ्लाई करते हैं तो बहुत दूर तक ले जाने के बाद भी आपको ये क्लियर दिखता है। दिन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि दिन में फ्लाई करने के बाद लाइट्स नहीं दिखती है, रोशनी पहले इतनी होती है तो लाइट नहीं दिखती, लेकिन रात में काफ़ी दूर तक ले जाने के बाद भी ये बहुत ईजी आपको दूर तक दिखता है। पीछे देखेंगे तो आप यहाँ पर इसके बैटरी लगा सकते हैं और कार्ड लगा सकते हैं। जो कार्ड स्लॉट है वो टाइप सी है, जो कि मैविक मिनी था उसमें था माइक्रो SD, माइक्रो SD लगता था, इसमें आप लगा सकते हैं टाइप सी। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। मैं एक फीचर इसके कंट्रोलर में आपको बताना भूल गया कि आप अपना मोबाइल भी इसके कंट्रोलर से चार्ज कर सकते हैं। और अब इसके फीचर्स में आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा फीचर्स मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें 4K शूट है, आप 4K 30 FPS से शूट कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और आपको ये फ्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड करनी होगी, DJI फ्लाई, जो कि iOS और Android दोनों फोन में अपडेट कर सकते हैं, और उसके बाद इसको फ्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको लैटिन और टाइप सी दोनों केबल साथ में मिलती है, जिससे आप इसको अपने फोन से कनेक्ट कर ऐप्स के थ्रू चला सकते हैं। इसमें आपको 1.23 इंच इमेजिंग सेंसर मिलता है, जिससे आप 12 मेगापिक्सल तक स्टिल फोटो ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फीचर है, और ये मैविक मिनी में नहीं था। अब इसमें आप रो भी फोटो ले सकते हैं, रो फोटो लेने के बाद आप क्या होगा, जो अच्छे फोटोग्राफर्स हैं उनको रो फोटो चाहिए होती है और उसको अपने हिसाब से एडिट करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, तो वो पहले मैविक मिनी में नहीं था, इसमें ये फीचर्स भी है, तो ये रो फोटो लेकर आप उसको बहुत अच्छे से एडिटिंग कर अपनी पिक्चर्स
पिक्चर्स भी ले सकते हैं, वीडियो के लिए तो है ही अच्छा, फोटो के लिए भी काफी अच्छा है। स्टेबिलिटी के लिए इसमें 3-axis गिम्बल मिलता है, ये भी काफी अच्छा फीचर्स है, क्योंकि गिम्बल जितना अच्छा होगा आपकी फुटेज उतनी हिलेगी नहीं और काफी अच्छी फोटोज आएगी, चाहे कितनी भी हवा चले लेकिन फुटेज जो होगी आपकी काफी अच्छी आएगी। और जो इसकी रेंज है वो 10 किलोमीटर तक है, और जो मैविक मिनी था पहले वाला उसमें 4 किलोमीटर थी, तो मतलब 6 किलोमीटर आप इसको और आगे तक ले जा सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छा है। और जो आपका मैविक मिनी था वो वाईफाई से कनेक्ट होता था, जिसकी वजह से नेटवर्क न होने की वजह से, वाईफाई न होने की वजह से आपका ड्रोन खोने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते थे, इसी वजह से वो 4 किलोमीटर से ज़्यादा आगे जाता भी नहीं था। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है, अब जो ये आपका ड्रोन है मैविक मिनी 2, इसमें दिया गया है ओकोसिंग 4.2, जिसकी वजह से आप इसको कितना भी दूर ले जाएं ये बिल्कुल ना के बराबर चांस है कि ये खोएगा। कहीं भी चले जाइए जहां नेटवर्क प्रॉब्लम है, वाईफाई नहीं है, लेकिन ये ड्रोन आपका वापस जरूर आ जाएगा। और इसमें एक और अच्छी बात है वो ये है कि जो इसकी स्पीड है वो 16 मीटर पर सेकेंड है, मतलब पर सेकेंड 16 मीटर आपकी स्पीड से जाता है, तो वो भी काफी अच्छा है। कभी कभी तो मैं इसकी वीडियो बनाते बनाते भूल जाता हूँ और एक गेम्स की तरह इसको फ्लाई करने लगता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है इसको स्पीड में चलाकर, बहुत ही मजा आता है। और मैं इसको स्पीड में इतना चलाता हूँ कि मैं यही भूल जाता हूँ मैं वीडियो बना रहा था या कोई गेम्स खेल रहा था। और बात करें इसकी वीडियो क्वालिटी की, तो वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, काफी अच्छी पिक्चर्स निकल के आती हैं, काफी अच्छी वीडियोस निकल के आती हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको दिख जाएगा इस तरह की इसकी क्वालिटी है वीडियो की। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर जूम करते हैं तो पिक्चर थोड़ी फट जाती है, अच्छी नहीं आती है, बाकी काफी अच्छा है। इसका बैटरी जो बैकअप बताया है DJI ने वो बताया 31 मिनट्स का, लेकिन मैंने जितना भी इसको यूज किया है तो 25 से 30 मिनट्स ये चल जाता है, और अगर विंड ठीक है तो ये 30 तक चल जाती है। तो जब भी आप ड्रोन को फ्लाई करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें, आप विंड के अपोजिट साइड लेकर ना जाएं, उससे आपकी बैटरी ज्यादा लगेगी, जहां की हवा है उधर ही लेके जाएंगे तो आपकी बैटरी ज्यादा चलेगी। बैटरी से मुझे याद आया यार, जब भी आप इसको परचेज करें तो इसका कॉम्बो पैक ही लेना, क्योंकि कॉम्बो पैक में आपको 2 बैटरी एक्स्ट्रा और मिलती है और साथ में ये 3 बैटरी चार्ज करने वाला चार्जर भी मिलता है, जिससे आप अपने बाकी गैजेट्स फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, ये एक पावर बैंक की तरह काम करता है। तो ये फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ट्रैवल पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अच्छे अच्छे व्यू मिलते रहते हैं, तो आप बार बार फ्लाई करते हैं तो बैटरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक्स्ट्रा बैटरी होगी तो आप ईजिली बार बार अपनी अच्छी अच्छी फुटेज निकाल सकते हैं, और उसके बाद जो आपको उसमें अच्छी रखे आप उसको रख सकते हैं। और इसका वेट 249 ग्राम होने की वजह से इंडिया में ये नैनो कैटेगरी में आता है, तो इसका बेनिफिट ये है कि 249 ग्राम से ऊपर, मतलब 250 ग्राम से ऊपर जितने भी ड्रोन हैं उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, और जब फ्लाई करते हैं तो परमिशन लेनी होती है, तो इसके लिए ना आपको परमिशन की जरूरत है ना लाइसेंस की, आप इसको कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आप जहां भी फ्लाई कर रहे हैं वहां पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया ना हो। और इंडिया में एक रूल और आ गया है, अगर आपका ड्रोन नैनो कैटेगरी में है, मतलब 250 ग्राम से नीचे है, तो वो 15 मीटर से ऊपर फ्लाई नहीं करेगा, और ये प्रॉब्लम इसमें है, ये 15 मीटर से ऊपर फ्लाई नहीं करता है। मैविक मिनी जो पहले था उसमें भी जिसने ऐप अपडेट कर ली है उसका भी ड्रोन फ्लाई नहीं कर रहा है, तो उसका भी मेरे पास एक जुगाड़ है, एक तोड़ है, वो आप मेरी वीडियो जाकर देखिएगा, मैंने उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है, तो आपका ये 15 मीटर से ऊपर भी फ्लाई करेगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है $449, क्योंकि इंडिया में ये अभी आया नहीं है, बाहर से ही मंगाया जाता है, मैंने भी दुबई से मंगाया था, और बाहर इसका प्राइस है $449, जिसमें आपको एक ड्रोन, एक रिमोट कंट्रोलर और एक बैटरी मिलेगी। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप लें तो कॉम्बो लें, जो आपको $150 और महंगा पड़ेगा, लेकिन कॉम्बो में आपको 3 बैटरी, इसका चार्जर और इसका एक कैरी बैग, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और कैरी करने में काफी इजी रहता है, और कहीं भी आप कैरी इजीली करेंगे तो आपके ड्रोन या आपके कंट्रोलर, आपकी बैटरी खराब नहीं होगी। इसके साथ आपको 4 एक्स्ट्रा मिलते हैं पॉपुलर, जो कि आपको आगे बेनिफिट होंगे, जब आपके पॉपुलर टूट जाते हैं कहीं टकराने की वजह से या किसी और वजह से तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आप कॉम्बो नहीं लेते हैं तो आपको वो नहीं मिलते। ये जो आप इसके ऊपर एक रबड़ का बैंड सा देख रहे हैं चढ़ा हुआ, ये मैं आपको उतार के दिखा देता हूं, ये मिलता है आपको कॉम्बो में, और इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको पॉकेट में कैरी कर रहे हैं, कहीं रख रहे हैं तो सीधा ड्रोन को रखेंगे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसके बिना रखते हैं तो इसके जो पॉपुलर हैं ये टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं और कैरी करने में उतना मज़ा नहीं आता। तो ये है छोटी सी चीज़, लेकिन मेरे को बहुत काम की लगी, मतलब इससे आपका ड्रोन काफ़ी सेव हो जाता है। ड्रोन के फीचर्स और ड्रोन कैसा है मैंने सब आपको बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के, जितना भी मैंने इस ड्रोन को फ्लाई किया है मुझे क्या अच्छा लगा और क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो सबसे जो प्रॉब्लम आई और जो सबसे बड़ी थी वो 15 मीटर से ऊपर नहीं जा रहा था, तो उसका मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, उसकी मैंने वीडियो बना दिया, आप वो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जब भी आप इसको फ्लाई करते हैं
तो इतना ही दूर लेकर जाएं जितना आप देख सकें, उसके ज़्यादा दूर ना लेकर जाएं और किसी बिल्डिंग या पहाड़ के पीछे ना लेकर जाएं, क्योंकि आने में प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या है, जो सेंसर है नीचे की तरफ है और जो इससे ऊपर मॉडल है, प्रो है, एयर है, उसमें सेंसर चारों तरफ होते हैं, लेकिन वो 250 ग्राम से ऊपर है तो मुझे नहीं लेना था, क्योंकि उसे फ्लाई करने के लिए लाइसेंस लो, परमिशन लो, इतनी झंझट नहीं चाहिए। लेकिन इसमें सेंसर ना होने की वजह से ये कहीं भी टकरा सकता है किसी पहाड़ से, किसी बिल्डिंग से, और फिर आपका ड्रोन तो गया। तो कोशिश करें इतना ही दूर लेकर जाएं जितना आपको दिख रहा हो और इजीली आप वापस बुला सकें, नहीं तो ये प्रॉब्लम होगी। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने इसीलिए इसका नामकरण भी किया था और इसका नाम मैंने रखा था नादान परिंदे, क्योंकि ये नादान परिंदा है, ये चला तो कितनी भी दूर जाता है लेकिन वापस आने में, बुलाने में प्रॉब्लम होती है। दूसरे डायरेक्शन में चला गया या मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं किसी बिल्डिंग से या पहाड़ से टकराने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इतना ही दूर लेकर जाना जितना आपको दिखे। और दूसरी बात, इसको जब भी आप फ्लाई करें तो किसी पक्षियों के झुंड पर मत लेकर जाएं, या वहां पर फ्लाई मत करना जहां पर पक्षी ज्यादा हो, खासकर चील, क्योंकि जहां भी आप पक्षी, कबूतर, चील देखेंगे तो वो इसको एक नया पक्षी समझती हैं कि हमारे एरिया में एक नया पक्षी आ गया और इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके ड्रोन को तो नुकसान हो गई, पक्षियों को भी नुकसान हो सकता है, उनको चोट लग सकती है। तो कोशिश करिएगा कि वहां फ्लाई ना करें, और अगर आप फ्लाई भी कर लेते हैं उसके बाद वहां कबूतर, चील कुछ आ जाती है तो आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी फास्ट चेंज करता है, स्पीड मैंने आपको बताई दिया, इतनी फास्ट कोई भी पक्षी नहीं चल सकता है और आप थोड़ा दूर से और अच्छा व्यू ले सकते हैं। तो दो चीज ये मैं आपको बोलूंगा करने के लिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए ना, हेल्प मिली हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, डेली व्लॉग शाम को 7 बजे आता है, ट्रैवलिंग का, घूमने का, मस्ती का और इस तरह किसी भी चीज का रिव्यू का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।